नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। और आज हमें बात करना है ओल्ड एज पॉपुलेशन की। हमारे वो सीनियर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी इस इकोनॉमी को, इस सोसाइटी को दी है, वो इस वक्त कैसी हालत में है और क्या ये एक बहुत बड़े रिस्क भी हमारे लिए अगर वो अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी हालत भी फिर वैसे ही होने वाली है अगर हमारे सिस्टम्स वैसे नहीं है। तो मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके मनी से अब तक सोसाइटी पलती रही, लेकिन अब उनका क्या हाल है। इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाऊं, आपको कुछ मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, उनका डेटा पढ़ रहा हूं। उनके हिसाब से हर चार में से एक सीनियर सिटीजन जो है वो डिप्रेस्ड है भारत में। हर चार में से एक, 25% जो सीनियर्स हैं भारत में वो डिप्रेस्ड हैं। 1 in 3 सफर्स फ्रॉम आर्थराइटिस, यानी उनको चलने फिरने घूमने में दिक्कत होती होगी। वाइल 1 in 5 कैन नॉट हियर, सुनने में परेशानी है इन लोगों को। 1000 करोड़ रुपए हमने 11th प्लान में सीनियर सिटीजन के लिए रखे थे, लेकिन इसके 3 गुना जरूरत होगी हमें पैसे की अगले 5 साल में, 3147 करोड़। तो आंकड़ा अपनी जगह है, लेकिन बात समझ में आ रही है कि हमारा देश रिटायर्ड लोगों के लिए, पेंशनर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अभी तैयार नहीं है, या कुछ तैयारी है तो और तैयारी करनी होगी। इसका क्या असर होगा आप पर, मुझ पर, हमारी इकोनॉमी पर, ये सब बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है इस विषय पर नजर रखने वाले लोग, मेरे दानी और हिमांशु रथ, फाउंडर एज वेल फाउंडेशन। हमारे साथ है मैथ्यू चेरियन, हेल्प एज इंडिया के सीईओ। हमारे साथ है अजय चौधरी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन के खिलाफ क्राइम की क्या सिचुएशन है, कैसे रोक सकते हैं, कैसे सोसाइटी काम कर सकती है, खुद ओल्ड एज पॉपुलेशन कैसे इससे निपट सकती है। और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल गोयल, सीईओ equitymasters.com। राहुल का पर्सनल फाइनेंस में लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उनसे जानेंगे कि क्या रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे देश के यंग और ओल्ड को करना चाहिए। सबसे पहले हिमांशु, आप यहां आने से पहले कुछ हमें बता रहे थे कि क्या हालत है सीनियर सिटीजन की और उससे क्या समझ में आ रहा है। बुजुर्गों की हालत हमारे देश में खास करके कुछ बहुत बेहतर नहीं है, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि संभवतः हमारे यहाँ पहली जनरेशन है, पहली पीढ़ी है बुजुर्गों की, जो आज 70-80 साल के हो गए हैं। आमतौर पर उनके माँ बाप इतना लंबा नहीं जिए, और जब आपने अपने परिवार में लंबा जीने वाले लोगों को नहीं देखा तो आपने अपने बुढ़ापे की कोई तैयारी नहीं करी। इसका क्या मतलब है कि पहले लोग 80-90 पहले 90 साल 100 साल के होते थे लोग गाँव में? ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। आम आदमी कि हम पहली बार 80-90 लोगों के साथ हम जी रहे हैं इस देश में। नहीं, 80 प्लस का पॉपुलेशन जब हमको आजादी मिला है, केवल 2 मिलियन पीपल वर देयर। नाउ दैट पॉपुलेशन हैज डबल्ड बाय 5 टाइम्स। दैट्स आल्सो बिकॉज़ आवर पॉपुलेशन आल्सो पॉपुलेशन हैज गॉन अप, बट एट द सेम टाइम पीपल आर लिविंग लॉन्गर। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग अप। मैं केरल से हूँ, केरल में 75 years is the average life expectancy, and people living about 90 years is there, and they are suffering from dementia, Alzheimer diseases, which we did not know at the time of independence, but today it has become the norm. And plus, I will also say that Hindustan mein garibi rekha se niche 51 million elderly log hai, jisko 51 million elderly log, almost 5 crore aap keh rahe hain ki बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन और सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ये एक बहुत बड़ा भार हो सकता है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे। या केवल एक 1.2 करोड़ को पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन में देते हैं, वो केवल 200 रुपया। एंड आज पेंशन परिषद बैठे हैं जंतर मंतर में, वो लोग मांग रहे हैं 2000 पेंशन होना चाहिए, वो भी यूनिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिंदगी भर काम करते हैं और उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलता है। और केवल सरकारी लोग और जो प्राइवेट सेक्टर का लोग है उनके लिए पेंशन मिलता है। ये लोग भी देश के लिए बहुत काम किया, किसान हो या जवान हो या जो भी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया अपनी यंग एज में और इस इकोनॉमी को बनाया और ये इकोनॉमी आज यहां तक पहुंची। और अब दूसरे लोग काम कर रहे हैं बेशक, लेकिन इनको क्या रिटर्न मिल रहा है ये भी तय करना होगा इकोनॉमी को। और नहीं भी अगर वो रिटर्न दें तो फिर ये अपने आप में एक भार है इकोनॉमी के लिए, उसको आप कैसे सहन करेंगे। लेकिन इससे पहले क्राइम की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है, एल्डरली जो लोग हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं क्राइम को लेकर, अर्बन क्राइम को लेकर ज्यादा आ जाए, आप अग्री करते हैं कि? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता और बच्चे साथ नहीं रह रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन अकेले हैं और अपनी देखभाल के लिए अपने सर्वेंट्स के ऊपर, घर में काम करने वालों के ऊपर निर्भर हैं, वो वाकई वल्नरेबल हो जाते हैं। और अक्सर जो घटनाएं होती हैं हमने जो नोट किया है वो इन्हीं लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जो एक्सीलेंट होता है, क्रिमिनल होता है, वो ये जानता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा और इजीली उनको ओवर पावर करके क्राइम किया जा सकता है, लूटा जा सकता है, रॉबरी की जा सकती है। तो डेफिनेटली हम मानते हैं कि सीनियर सिटीजन वल्नरेबल हैं और क्राइम उनके साथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राहुल गोयल, तो यह बात हुई कि पोलिसिंग हो, सोसाइटी हो, फैमिली हो, अर्निंग पॉपुलेशन हो, उस पर एक नए तरह की जिम्मेदारी है। मैं वजन बार बार भार भार नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये दीज आर नियर एंड डियर पीपल, लेकिन इकोनॉमी वाइज, फाइनेंस वाइज आपको क्या लगता है, वहां भी ये बहुत वल्नरेबल है क्या? सी, एज अ कंट्री Indians, we've always saved a lot of money. Even अभी भी आप देखो तो we save 30-40% of जो हम लोग average में कमाते हैं वो save होता है, लेकिन we are not prepared for our retired life. जब हम लोग young होते हैं तो we probably think about a college. In India, हम लोग fortunate है कि हमारे parents वो सोचते हैं, विदेश वगैरह में तो आपको अपना college का खर्चा भी खुद देना पड़ता है, और parents, अगर आप parents की तरफ से सोचें, जब तक वो 50 साल के रहते हैं, they always worried about the children, how to get them settled, how to get them married, how to get a house, how to get them settled in their lives. And by the time they're done, they're at retirement age and they're completely dependent on the children. And it's, you know, it's all open. You can see that a lot of children don't live with their parents anymore. There was a mention that parents now stay with their, with servants who support them. The children have all gone. And in some cases, unfortunate cases, and I've seen examples, several examples, they have to even fend for themselves. So they spend their life trying to build a future for the children, and at the fag end of their lives, they are now left alone to fend for themselves. And we are very underprepared. जैसा अभी मैथ्यू ने कहा कि life expectancy पहले से बेहतर हो गई, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, और वो अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये कतई नहीं कि ये इसका मतलब ये भार बढ़ गया। आपको क्या लगता है मैथ्यू? मैं एक और मुद्दा लेना चाहता हूँ। अजय चौधरी जी ने और हमारा एलजी साहब ने एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, एल्डर अब्यूज इन इंडिया, दिस इज अ सर्वे इन 20 सिटीज। उसमें बच्चे देखभाल तो नहीं करते हैं पेरेंट्स को, उसके ऊपर 65% of the sample said we are also facing abuse in the house. So I would want to come back to that issue where family and the crime and all that issue. But here I want to talk about money and the issue facing the country vis-a-vis old age population. I'll come back on that, Matthew. Himanshu, आपको क्या लगता है, सुन के कि ये सब policing पर एक जिम्मेदारी, education, society, family, economy सब पर ये लोग एक किसी ना किसी तरह का इंपैक्ट डालते हैं। जैसा मैथ्यू ने बताया कि 5 करोड़ तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर आप उनको उनसे एक्सपेक्ट भी करें कि वो दौड़ के भाग के कुछ काम कर ले, उनको आप रोजगार, फ्री रोजगार दे लेंगे, तो वो भी वो नहीं कर सकते। ये सब क्या एक बर्डन है या दिस कैन बी बेटर मैनेज्ड? ये इट कैन ऑलवेज बी मैनेज्ड, एंड व्हाट्स द केस इन अदर कंट्रीज, हाउ आर दे डूइंग इट? देखिए, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जब हम किसी भी आदमी को, काम करने वाले को, 60 साल की उम्र में बोलते हैं अब आप रिटायर हो गए, उसने अगर कंफर्टेबली 80-85 की उम्र तक जीना है तो 25 साल तो उसको और जीना है। आज जो आदमी 60 साल का है, उसकी शादी करीब 35 साल पहले हुई होगी। उसकी, उस जमाने में आदमी और औरत के बीच में हमारे देश में 6-12 साल का उम्र का फर्क होता था। तो जो आदमी 60 साल का है, आमतौर पर उसकी पत्नी, जो अब रिटायर हो रहा है, उसकी पत्नी अभी 50-52 की ही है, तो उसको 25 साल अपने लिए और करीब 30-35 साल अपनी बीवी के लिए पैसों का इंतजाम करना है। और अगर ये माना जाए कि वो नॉन प्रोडक्टिव जिंदगी 35 साल की निकाल देगा इस इन्फ्लेशन के जमाने में, तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमें उसको और जॉब अपॉर्चुनिटीज देना होगी, हमें उसको उसका कोई ना कोई इनकम का जरिया तैयार करके देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके बच्चों की भी उम्र बढ़ रही है, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लेने की शायद काबिलियत भी नहीं रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और तीखा इकोनॉमिक मुद्दा है जिसमें हमें रीटूलिंग बुजुर्गों की करना पड़ेगी। हम अब नहीं कर सकते कि आप पहले 20 साल तो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आखिरी के 25 साल आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो बीच के 30-35 साल काम करिए और बाकी के 85 साल आप नॉन प्रोडक्टिव होकर जी लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, और सारी दुनिया में धीरे धीरे अब ये होने लगा है। लेकिन इसका ये भी मतलब मैं कि जो प्रेजेंट वर्किंग जनरेशन है, अगर उसको मैं 25 से 65 के बीच में रखूं, क्या उन पर डबल बर्डन है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्हें इस बार
अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं रिटायरमेंट की, एंड पीपल हु आर रिटायर्ड नाउ और हैवंट सेव्ड इनफ, दे आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन देम. नहीं, ये सही बात है. हमारा देश में पहले फैमिली वॉज द बिगेस्ट सोशल सिक्योरिटी. ज्वाइंट फैमिली में सब लोग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. जब वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ब्रेकडाउन शुरू हो गया, वी हैव नॉट रिप्लेस्ड इट विद अनदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, वेदर इट इज पेंशन और एनीथिंग. एंड आई एग्री दैट देयर हैज टू बी रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा. बट देखिए, ग्रामीण स्तर पे अगर 100 दिन का रोजगारी नहीं मिलता है, वो क्या प्लानिंग करेगा रिटायरमेंट के बाद? When he doesn't have 100 days of work, then how will he plan for the future? At the same time, we have to, for the middle class, they have to plan for another 30 years. And 30 years without any children around. No child is going to stay and look after their parents in the future. बिल्कुल. तो मामला complex है. और ऐसे समय में जब अगर कोई ओल्ड एल्डरली रिच है और अपना सेल्फ सपोर्टिंग है, वहां पर वो क्राइम में वल्नरेबल जा रहा है. आपको कैटेगरीज में करना पड़ेगा. जैसे कि रूरल पॉपुलेशन है, उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं. जो कस्बे हैं या छोटे छोटे शहर हैं, उनके बुजुर्गों की अलग समस्याएं हैं. और बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, इनकी अलग अलग समस्याएं हैं. जैसा कि राहुल भाई कह रहे थे कि वो अपनी सारी इनकम पहले बच्चों के प्लानिंग पे लगा देते हैं, एक मकान खड़ा करने पर. अक्सर देखा गया है कि बच्चे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पिताजी कब रिटायर होंगे और उनको कितना जीपीएफ मिलेगा, उसे मैं बिजनेस शुरू करूंगा. तो एक ये जो हमारा यूथ का एटीट्यूड है कि खुद जनरेट नहीं करेंगे, खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश नहीं करेंगे और डिपेंडेंट है वो 35-40 साल तक की उम्र तक लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं. शायद इसलिए बहुत सारे परिवार सिर्फ सरकारी नौकरी की तलाश में है और डिपेंड करना चाहते हैं. और बहुत महत्वपूर्ण बात करी. एक चीज मैं छोटी से कहना चाहूंगा कि जो पूरी पॉपुलेशन आप 5 करोड़ की जो बता रहे हैं, सारे इनवैलिड और इन्फॉर्म नहीं है. उसमें से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कोई ना कोई वोकेशन कर रहे हैं. आज की तारीख में दिल्ली पुलिस से भी रिटायर होने के बाद, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने के बाद तमाम लोग रीएम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं. तो वो सारे इनवैलिड और इन्फॉर्म नहीं है और बोझ नहीं है. बहुत सारे लोग काम करने की कोशिश, बोझ नहीं है, लेकिन ये एक चुनौती है जो हम सबको फेस करनी होगी एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी. और यही बात हम मानी मतलब थोड़ी देर में करना चाहेंगे कि कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग बेहतर हो सकती है. राहुल से पूछेंगे, हम यही बात करेंगे कि क्राइम अगेंस्ट ओल्ड सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन, उससे कैसे निपट सकते हैं. हम ये चर्चा जारी रखेंगे. बढ़ रहे बच्चे मंत्रा में हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन की. एक दिन मैं भी बूढ़ा होगा, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और हमारे देश में पहले ही बहुत सारे बूढ़े हैं. यूं तो हम समझते हैं कि यंग इंडिया है और यंग जनरेशन, यंग की जो रेशियो है वो ज्यादा है, वो सही है. लेकिन एक दिन सबको बूढ़ा होना है, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी. लेकिन इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले मनी मंत्रा में समझा कि ये प्लानिंग हमने की नहीं है और आगे करना भी बहुत मुश्किल होगा. जैसे 1000 करोड़ अगर 11th प्लान में थे तो 3000 करोड़ चाहिए होंगे. सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं एल्डरली को संभालने में, लेकिन उसमें बीमारियां हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, पोलिसिंग चैलेंजेस हैं. और आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री जो हमारी सरकार है, उसके एस्टिमेट है कि 60 प्लस जो जनता होगी भारत के, 60 प्लस पॉपुलेशन, वो 2013 तक 100 मिलियन हो जाएगी और 2030 तक 198 मिलियन. तो 200 मिलियन 20 करोड़ मेरे ख्याल से हुआ, 20 करोड़ लोग तो 60 से ज्यादा होंगे 2030 तक. और जल्दी इस तरह दुनिया में सबसे दूसरा नंबर होगा हमारे यहाँ ओल्ड पॉपुलेशन का. और उससे बड़ी चुनौती है कि 80% जो इसमें से होंगे वो गांव में होंगे. तो अब यहां बात में जो अगले कुछ मिनट करनी है पैसों को लेकर, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी हो सकती है. राहुल गोयल, आप से जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो लोग ऑलरेडी ओल्ड हैं, क्या उनके लिए अब कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहां उनका पैसा सेफ रह सकता है, जहां पर कुछ रेगुलर इनकम हो सकती है, उस बारे में कुछ भी बताना चाहेंगे? द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टिल देयर, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं. लेकिन अभी ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स क्या हुआ है कि जो रिटर्न है उन इंस्ट्रूमेंट्स का वो कम हो गया है. सी, अभी जो बात हुई कि हिस्टोरिकली जो आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया वो किया अपने घर में, अपने बच्चों में, और उसका आई थिंक वॉट द एक्सपेक्टेशन वॉज, जब वो ओल्ड होंगे the children will support them, aur wo jo little pension milegi, I think there was a mention that the pension is 200 rupees and they're fighting for 2000. I think in a nation where you don't respect your elders and you don't compensate them well, it is sad. You spoke of a plan where they're spending 3000 crores. You know, even 30,000 crores would probably be less if you actually did what you're supposed to do. So yes, there is a problem. People have undersaved, and what they had saved in itself is not earning the kind of money it used to earn even 10 years back.
अभी यूटीआई आप देखो यूएस 64 होता था, पोस्ट ऑफिस यूज टू गिव 14-15% रिटर्न्स, ऑल दैट इज गॉन. सो दीज आर टफ टाइम्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट यस, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, यू कैन गेट 10-12%, आई थिंक, आई गेस इन द रेंज ऑफ 9-12% इज व्हाट इज स्टिल अवेलेबल, रिलेटिवली सेफ. एंड आई थिंक एक्स्ट्रा रिटर्न on regular sharing schemes for senior citizens. Yeah, I think the important thing here, Miraj, is that if you can't meet your expenses, you have to cut them. You can't take more risk to be able to make more money to fund your expenses these days. Because if you're going to take more risk, you need to set aside money for 5 years. And on that, Rahul, from Matthew Cherin, I would want to know, आपका हेल्पेज इंडिया से क्या एक्सपीरियंस है, जो ओल्ड एज लोग हैं, क्या उन्हें, जैसे राहुल बोल रहे हैं कि 8-10% इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आपको अगर रिटर्न मिल भी रहा है 8-9% तो वो उसमें नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि हर साल एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं. क्या बहुत सारा लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ा है लोगों को, बहुत सारा कट करना पड़ा है, वहां पर कटौतियां करनी पड़ी? नहीं, जिसके पास पेंशन है उनके पास भी काफी डिफिकल्टीज है. और ज्यादातर ओल्ड एज लोग इक्विटी प्लान, किसी पेंशन प्लान में नहीं जाते, दे गो फॉर रिस्क अवर्स प्लान्स. इनफैक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सेफर सिस्टम्स वर द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट पाथ. दूसरा एक और प्रॉब्लम, सबसे मेजर एक्सपेंडिचर इज ऑन हेल्थ इन ओल्ड एज, बिकॉज इफ यू हैव वन एपिसोड ऑफ हेल्थ, ऑल योर मनी इज गॉन. एंड हेल्थ इंश्योरेंस, देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द हेल्थ इंश्योरेंस. आफ्टर 65, वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज विल इंश्योर एनी ओल्ड मैन. सो इफ यू बॉट योर पॉलिसी बिफोर, देर आर लॉट ऑफ क्लॉसेस बाय विच यू कैन बी एक्सक्लूडेड. एंड वी हैव बीन सेइंग दैट यू शुड गो टिल 80 ईयर्स विद हेल्थ इंश्योरेंस. द IRDA हैज बीन अप्रोच्ड, बट देर इज नो स्कोप. दे आर गोइंग टू डू इट, बट दे हैवंट डन इट. एट द सेम टाइम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट, you said the Ministry of Health has allocated 400 crores. I know the situation in that 400 crores, they have not spent that 400 crores. Okay. And in the current 12th five-year plan, we are asking for 84,000 crores. But the health system, they said in 100 districts, there would be a geriatric health center. Even today, not only for old people, there will be a health center. Because primary health is focused on arthritis, focused on joint pains, focused on that. Okay. Not a single health center in the rural areas has come in those 100 districts. Now, and this is the situation of the Ministry of Health. And in the Ministry of Social Justice, again, it is the same story. We are clubbed with beggars, drug addicts and various kinds of people. Elderly gets priority number 40 or priority number 45. That is the priority. It is never treated on priority, and as a result of it, all the schemes linger around like this. In 2007, the ministry announced that every single district across the country will have an old age home. We are in 2012, fag end of 2012 now. So 2 years ago they had announced. 2007 it was around, 5 years ago. Yeah. Not even one old age home has come up. So that's the kind of scenario. Bilkul. मनी वाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रॉपर्टीज इवन टुडे आर ओन्ड बाय ओल्ड पीपल. ओके. द बिगेस्ट रिजर्व्स आर विद ओल्ड पीपल. मोस्ट ऑफ द वाइट गुड्स प्रोडक्ट्स टुडे आर बॉट बाय ओल्ड पीपल. द यंगर जनरेशन आर गिफ्टेड स्टफ बाय देयर पेरेंट्स और बाय देयर वाइट गुड प्रोडक्ट्स. यू मीन All sorts of products, mixies, television, air conditioners, including automobiles. So wherever down payments are being made, most of that money is coming from the older people. So you have 50 million old people who have some resources, and most of that money is being spent from there. Ji. So it's a unique mix. You have half the population which is below the poverty line, and you have large number of people who are much above the poverty line. At the same time, we have some very interesting figures. We are the youngest nation in the world, because we have 35% of our population which is below the age of 18. And we are number 2 in the world already in terms of geriatric population. Achha. And in about 7 years from now, we will be number 1. We will cross China. China is ahead of us.
राइट नाउ, इन अबाउट 7 years वी विल क्रॉस चाइना. मतलब तो आप 7 साल में कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की संख्या होगी दुनिया में. अब अगर आप उसको इकोनॉमिकली देखें तो यू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल एंड यू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल. इट कैन वर्क वेल फॉर अस. आई मीन या इट कैन वर्क वेल, बट द पॉइंट इज दैट इफ यू हैव ऑलमोस्ट अबाउट 45-50% ऑफ योर पॉपुलेशन विच इज नॉन प्रोडक्टिव. एग्जैक्ट. व्हाट हैपेंस टू ग्रोइंग इंडिया? व्हाट हैपेंस टू बिग टाइम थिंग्स दैट वी ऑल टॉक अबाउट फाइनेंशियली? राहुल, हिमांशु ने कहा कि वर्किंग पॉपुलेशन पर बर्डन ज्यादा है. मैं आप समझना चाहूंगा क्या ऐसी प्लानिंग करनी होगी रिटायरमेंट को लेकर. हम यूएस में बहुत सुनते हैं, कोई भी आर्टिकल आता है रिटायरमेंट प्लानिंग ये हो रही है, वो हो रही है. यहां तक कि एनरॉन में भी या वर्ल्ड कॉम में भी लगा हुआ था लोगों का पेंशन का पैसा. हमारे देश में क्या रिटायरमेंट को लेकर, पेंशन को लेकर, स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिले ऐसी कोई आजादी नहीं है? क्या क्या सिस्टम है? सी द सिस्टम इज वेरी हैपहैजर्ड. Private sector has some system, private sector has no system rather. The public sector has some system. So, see, I don't want to get into the technicalities because I'm not really an expert on it. But what I can tell you is that no one is really saving for retirement. See, in the US, the moment your children turn adults, they leave their homes. And then the parents are only working towards their own retirement. They're saving for their retirement. Their social security is meant for that. If I, in this context, if I can mention two things related to health insurance, which was spoken. Now, health insurance, I think there is some statistic and the panelists will know this better. I think the amount of money you spend on medical expenditure, the total money you spend over a lifetime, 80% of that is spent in the last 3-4 years of your life. And that is the 3-4 years of your life when the insurance company is not supporting you. So that's one. The second point is, insurance in India is up to a limit. So today you go to an insurance company and take insurance over up to 5 lakh rupees or 2 lakh rupees, or you know, in people who can't afford maybe 1 lakh, 2 lakh rupees. But that's the easy bit. What happens if your bill is more than that? And that's where the problems get compounded. And that's where savings suddenly disappear. You know, I think the biggest fear people have when they're nearing retirement is not how much money they have, it's what if they have a health issue and they have to drain away all their money. Because in an earlier generation, ये राहुल आपने समझा होगा कि health issue है, health issue है, family support issue है, लेकिन आज इसका मतलब ये जो young population है उनको क्या करना चाहिए अपने retirement planning के लिए? फिर कितना save करें, 100 में से कितना save करें? I think the first thing the young generation they needs to do, and I'm saying this with all sincerity and seriousness, they need to take care of the elders. The elders took care of this young generation, brought this up, laid the foundation for the country to grow. Now the young generation needs to support. And at the same time, plan. And you know, the incomes are like that. You know, 30 years back, the incomes were negligible and they still managed to build a nation, right? We still managed to bring up kids and educate them well. And now they need to do both. Now the incomes are there to support. They may not need to buy the latest mobile phone, the smartphone. No one in our earlier times spent 30,000 rupees on a phone, and now everyone spends that. So probably take a less expensive phone and do both. Take care of your elders and save your money. आपने बहुत अच्छी बात कही. और इस मनी मंत्र में इस वक्त हम बहुत सारे रिटायरमेंट प्लानिंग या SIPs की बात करें, उससे अच्छा राहुल गोयल ने एक बात कही कि थोड़ा सस्ता स्मार्टफोन चलेगा. और अगर आप पैसा उन लोगों के लिए बचा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पाई पाई आप पर खर्च किया है, यहाँ पर हिमांशु कोई भी रिटायरमेंट को लेकर क्या लेसन सामने आ रहे हैं? जैसा अभी राहुल ने कहा कि घर में प्रॉपर्टी में लगा दिया गया पैसा या फिर एजुकेशन में लगा दिया गया पैसा, क्या आप अगर किसी ओल्ड एज आदमी से मिलते हैं आज तो उनको लगता है कि हाँ हमें पैसा बचाना चाहिए था और कहाँ बचाना चाहिए था? ये एक बड़ी अजीब सी जद्दोजहद होती है हर एक बुजुर्ग के दिमाग में. एक तरफ वो तकलीफें सहते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ वो अपमान सहते हैं, और फिर भी उनका मन अपने बच्चों से चिपका रहता है. मेरा बेटा, मेरे बच्चे, और उसके नाम पे वो जो कुछ होता है सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसा देखा गया है आमतौर पे जो बुजुर्ग थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जो अपने अपने भविष्य के लिए थोड़े से सचेत रहते हैं, वो लोग बहुत सुखी रहते हैं. वो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही चलती है. नहीं तो आजकल के बच्चे जो हैं वो आते हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और सब कुछ लेके चले जाते हैं. क्या यहाँ पर वहां भी पॉलिसिंग अलग एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है जहां पर पैसा बच गया है और थोड़ी सिक्योरिटी है? बिल्कुल. एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी ऑफ वैल्यूएबल्स है और मनी की है, रूरल एरियाज में अभी भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई बैंक नहीं है. गाँव का आदमी, बूढ़ा आदमी पैसा रखे तो कहाँ रखे, या नौजवान भी रखे तो कहाँ रखे? बिल्कुल. तो एक परेशानी है.
दूसरी बात आती है जैसा कि हिमांशु साहब ने कहा कि सारा ले जाते हैं और अबंडनमेंट की सिचुएशन आ जाती है, सारे बेनिफिट्स ले लिए, प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, सब कुछ कर लिया और उसके बाद देखभाल नहीं कर रहे, तो उसी के मद्देनजर फिर सरकार को एक्ट लाना पड़ा 2007 में कि मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स। तो लॉ भी उस हिसाब से प्रोग्रेस करता है, जो समाज में परेशानियां आ रही हैं तो उस हिसाब से फिर लेजिस्लेशन भी लाना पड़ता है, उसको एनफोर्स भी करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2007 के एक्ट के तहत मैं समझता हूं कि मैंने अभी तक कोई शिकायत नहीं देखी जिसमें कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत की हो। ये इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा का कानून है, ये कानून बनाने का कोई मायना नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून बनाते हैं तो फैमिली को लेकर अगर कानून है ओल्ड एज लोगों की सुरक्षा में, यहाँ पर पैसे जोड़ा। आखिरी सवाल राहुल आपसे कि प्रॉपर्टी या एजुकेशन, क्या अवेयरनेस की जरूरत है कि कोई और भी वेन्यूज है जहां पर वो लिक्विडिटी ज्यादा रहे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें अभी लोग जो ओल्ड हो या यंग हो, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से एक मिनट में? सी आई थिंक अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आई थिंक यू हैव टू कट एक्सपेंसेस टू मीट व्हाटएवर यू हैव, रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक्स्ट्रा रिस्क टू मेक एक्स्ट्रा इनकम टू मीट यू नो इंक्रीज एक्सपेंसेस। पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते फिलहाल अगर आप रिटायर्ड हैं। सी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एज। यू आपको मिलेंगे 80 साल के लोग मिलेंगे जिनकी कैपेसिटी ऑफ रिस्क इज वेरी हाई, you feel you'll meet 40 year old people who can't take any risk. So if your appetite for risk is low, you should not be investing in stock markets. And if you're investing in stocks, I think two things you should keep in mind. One, you should assume you put the money in for 5 years and you're not going to get it back, you'll get it back at the end of 5 years only. And second, and this is the most important test, if you put money today, you should assume in stock markets that it will fall 20% tomorrow. If you get worried by the thought, don't put money in stocks. If you don't get worried, go ahead, invest and assume for 5 years your money is going to come after 5 years with a hopefully a double digit return. Bilkul. So I think that's an important lesson on money from Rahul there, and we are talking about old age money. या फिर उस मनी की जो आपको ओल्ड एज में जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। मनी मंत्रा में कुछ और बातें करनी है, ये भी बात करनी है कि कैसे क्राइम बढ़ गया खासकर दिल्ली में और मुंबई में सीनियर सिटीजन के खिलाफ। बन रही है मनी मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं भारत की सीनियर सिटीजन्स की, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत की इकोनॉमी के लिए अब तक दी है लेकिन अब वो खुद वर्किंग नहीं है, अर्निंग नहीं है और ये एक चुनौती हमारी इकोनॉमी पे, हमारी फैमिलीज पे। और हम बात कर रहे थे क्राइम की, आपको कुछ आंकड़े गिना दें। दिल्ली जो है ये बेंगलोर और मुंबई को कहीं पीछे छोड़ चुका है सीनियर सिटीजन के खिलाफ क्राइम में। हेल्पेज इंडिया की और मैथ्यू चिरिन हमारे साथ बैठे हैं, आपकी एक स्टडी जो मैंने पढ़ी उसमें ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में मुंबई से 4 गुना ज्यादा क्राइम है सीनियर सिटीजन के खिलाफ। अगर हाइएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम देखें 42.2% followed by murder and robbery which accounted to 35%, that means 35% of murder and 13% of robbery, jo senior citizen ke khilaf jo crime hai usme murder bahut zyada hai aur robbery bahut zyada hai. Aur aapko bata dein ye 52% logo ne jo senior citizens hai unke khilaf agar koi crime hua to unne bataya hai ki unka ghar ya unki family walon ne abuse kiya hai aur property ko lekar jo nuksan hua. आप बता रहे थे कि किस तरह जो लोग हैं घर के लोग ही या आसपास जानने वाले लोग ही उनके लिए खतरा बन जा रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले जो आपने आंकड़े पेश किए हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मर्डर और रॉबरी के इंसिडेंट्स उतने नहीं हैं। मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स हैं सीनियर सिटीजन जिन चीज़ों से परेशान हैं, हमने जो एनालिसिस किया उसमें 52% कंप्लेंट्स हैं जिसमें उनके साथ किसी तरह की चीटिंग हुई है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या नेबर के साथ डिस्प्यूट है। तो उस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है कि उनकी वल्नरेबिलिटी सिर्फ फिजिकल असॉल्ट के लिए नहीं है बल्कि उनका दूसरी तरह से जो शोषण होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एज फार एज मर्डर एंड रॉबरी इज कंसर्न, उसमें जरूर उनकी दे आर एक्सपोज टू दी पीपल हु आर अननोन टू देम, हु आर नॉट वेरीफाइड। आमतौर पर यह टेंडेंसी है कि हमारे साथ घर में जो लोग काम कर रहे हैं, बच्चे अमेरिका में हैं, विदेश में हैं या हिंदुस्तान में कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, एल्डरली पीपल अकेले रह रहे हैं, अब जो उनके पास सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, उनमें से कोई भी किसी की कोई बैकग्राउंड का पता नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए उनका वेरिफिकेशन, इस पर दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस रहता है कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद लोकल पुलिस स्टेशन, बीट ऑफिसर उनको जाके विजिट करे, उनसे मिलता रहे, उनके हालचाल पता करता रहे और उनके घर में जो भी लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं उन तमाम का वेरिफिकेशन, पीछे कहाँ के रहने वाले हैं, किसके रेफरेंस से आए हैं और इन केस कोई इंसिडेंट होता है
तो उनको कैसे ट्रैक किया जाए जिससे कि डिटरेंट का काम करे। और हम लोगों ने देखा है कि जहाँ वेरिफिकेशन हो रखा है सर्वेंट्स का और डोमेस्टिक हेल्प्स का, वहाँ पर टेंडेंसी टू कमिट क्राइम इज वेरी वेरी लो। तो एक तो बात गौर करने की बात है जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तकरीबन जितना भी क्राइम होता है, कहीं मर्डर हुआ, कहीं रॉबरी हुई बुजुर्गों के साथ, 90% से ज्यादा केसेस में, एंड आई एम श्योर अजय जी उसको एग्री करेंगे, फ्रेंडली एंट्री होती है, फोर्स्ड एंट्री। उनके उनकी डिपेंडेंस से उसका कोई गलत फायदा उठाता है। जो बुजुर्ग हैं वो इतने अकेले हैं कि कोई भी मिल जाए ह्यूमन कॉन्टैक्ट वो दरवाजा खोलने को तैयार होते हैं। जब जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और अब वो लाखों रुपए विदेशों में जाके कमा रहे हैं या दूसरी जगह रह के कमा रहे हैं, उनके पास उनके लिए कोई समय नहीं है बात करने का, वो सिर्फ टेलीफोन की तरफ देखते बैठे रहते हैं और खिड़की में से जैसे किसी अजायब घर में बैठे हों, वो बाहर की दुनिया देखते, कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो ये जब तक ये सेंसिटिविटी नहीं जागेगी समाज में, जब तक हम लोगों को, आप मैं आप हम सब लोगों ने हिंदुस्तान के स्कूलों में गाय पे निबंध लिखा है, क्यों? कि भाषा का कंपोजिशन हमें ज्यादा अच्छे से आएगा। बुजुर्गों पे एक भी पाठ नहीं है किसी एनसीईआरटी की किताब में, किसी कोर्स में, कहीं हम किसी बच्चे को कभी नहीं बताते कि बुजुर्ग की जरूरत क्या है। जब हमारे यहाँ सेंसिटिविटी ही नहीं है, इसीलिए रिजेक्शन है, इसीलिए वो निग्लेक्टेड है, और वो निग्लेक्टेड है और इतने अकेले हैं कि वो कोई आ भी रहा है दुश्मन सामने से तो वो उसको पहचान नहीं पाते। तो प्रॉपर्टी हुआ या सोसाइटी हुआ, बहुत सारे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है क्राइम को लेकर। हमारा स्टडी भी कहता है कि ज्यादातर शोषण घर के अंदर ही होता है, इट्स ऑलवेज एन इनसाइडर जॉब। अक्सर टीवी में आता है कि सास बहू का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा स्टडी एक और कहता है कि बहू इज नॉट द मेन एक्सप्लॉइटर, सन इज द मेन एक्सप्लॉइटर। 65% और बेटा गड़बड़ कर रहा है, 65% इज डन बाय द सन। हम लोग एंड बहू इज ब्लेम्ड बिकॉज़ दैट इज कन्वीनियंट, दैट इज व्हाट ऑल द टीवी सीरियल्स प्रमोट, सो यू गो ऑन टू दैट। दूसरा है प्रॉपर्टी इज द मेन लाइन ऑफ डिस्प्यूट, वेदर इट इज फॉर नेबर्स टू हैरेस, इट्स मेनली ड्यू टू प्रॉपर्टी। सो द मोर एसेट्स यू हैव and you are already a soft target, so you get abused and criminals also use, and it's always a friendly entry, I agree with this. It's always a friendly बिल्कुल friendly entry इसलिए हो जाती है कि एक तो जैसा कहा कि अकेलेपन की समस्या है, और दूसरा एक जो tradition रही है, जैसे अक्सर हमने देखा कि पानी पीने के बहाने एक्सेस कर लिया, पहले कोई घर में काम कर चुका था, 3 महीने बाद वो आता है और कहता है माता जी पानी पीना है। तो एक जो हमारी संस्कृति है कि ठीक है दोपहर का टाइम है, पानी किसी ने मांगा, पहले हमारे यहाँ काम कर चुका है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, या मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच गया मिठाई देने आए। बिल्कुल, ये तो बात है, फ्रेंडली एंट्री। राहुल, यहाँ पर जो जेफ्री आर्चर की मशहूर शॉर्ट स्टोरी भी है, वेयर देयर इज अ विल, और किस तरह विल लिखने पर कोई एक नर्स चीट कर लेती है एक ओल्ड एज मैन को। यहाँ मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, कैसे विल लिखना है, कैसे अपने पेपर सही रखना है, कब इनकम आ रही है, ये एक नॉलेज होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एंड अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन सम स्टेप्स टेकन, अनफॉर्चुनेटली द स्टेप्स हैव नॉट वर्क्ड, लाइक एवरी अदर थिंग व्हिच डजंट सीम टू वर्क विद द गवर्नमेंट। The SEBI and these regulatory bodies set up an investor education fund. So every time you trade on the stock market, a small portion of that goes into a fund, where this money is then to be utilized for educating investors on investing in the stock market. Just one example. And from what I understand, and I may be wrong, and maybe you can verify those numbers, and you can make a whole show over that, is these exchanges are sitting on hundreds of crores of rupees. And no one knows where this money is really being spent when it comes to educating. A lot of this money goes into sponsoring TV shows. I don't know whether you're getting any of that money or not, but that's where it's going. But at the root level, at the grassroots level, I don't see anything much happening, anything significant happening. So there definitely is a need to set up institutes. There definitely is a need to do contact programs. And these days, you know, Mehraj, a beautiful thing is the internet. Now, a lot of the people will say that the old people don't access the internet. And one thing we very quickly learnt is the old people are very adept at the internet because they wanted to talk to their grandchildren. And grandchildren are in different cities and different countries. So they quickly learnt how to get an internet connection and how to use Skype. So they are very familiar with the internet. So you can easily educate them online. और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात है, एक पेपर्स वगैरह, यहाँ आपने एक जॉइंट फैमिली को लेकर या ओल्ड एज को लेकर क्या कानून है हमारे देश में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन? जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि
मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट 2007, उसी में तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया, क्या जिम्मेदारियां हैं बच्चों की अपने पेरेंट्स के लिए, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए। और उसी में 2010 में कई सारे रूल्स प्रपोज किए गए जिसमें पुलिस को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि पुलिस स्टेशन लेवल पर एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा कि उनके इलाके में कितने सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, और उसमें जो पनिशमेंट है अगर कोई वॉयलेशन होता है, अब्यूज़ होती है, अबंडनमेंट होता है और कोई शिकायत आती है तो उसमें 3 महीने की सज़ा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो की गई है कि इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है जिसमें कि पुलिस कैन टेक कॉग्निजेंस एंड इनिशिएट लीगल प्रोसेस। जाकर ये देख सकती है कि कैसे कोई ओल्ड एज आदमी को परेशान कर रहे हैं उनके घर वाले और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख सकती है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, जब इस तरह का कानून बनता है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में तकरीबन 45-50% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में सिर्फ लड़कियां हैं, पर हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हों, गरीब हों, अमीर हों, शादीशुदा लड़की के घर जाके कोई पानी पीना भी पसंद नहीं करता आमतौर पे। जी बिल्कुल। क्या वो कभी भी वो माँ बाप अपनी लड़की और अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में या किसी के पास जाएंगे? पुलिस वहां पहुंच भी जाए तो क्या वो कबूलेंगे? नहीं। क्या वो, जिस देश में ये माना जाता है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे अग्नि मेरा बेटा देगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, तो क्या वो आदमी कभी पुलिस में नहीं जाता? और इस कारण तो इस तरह के कानून जो है वो बेमानी हो जाते हैं, ये सिर्फ पेपर पे बने हुए कानून। क्या ऐसे में अवेयरनेस अगर हो तो पड़ोसी या फ्रेंड्स इस बारे में कुछ हेल्प कर सकते हैं? कानून क्या आपको लगता है काफी है या और कुछ कानून होने चाहिए इसमें ओल्ड एज को? एक कानून जो 2007 में पास किया है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, केवल 8 states ने उसको Second thing is, this maintenance law was passed, but it is against the Indian tradition. We run a helpline in 23 cities. Helpline, the cases come, and after some time, the father comes and says, we have reconciled, please withdraw the case. We don't want to proceed further. उनके बच्चे उनकी पिटाई करते हैं, आके रोते हैं, उनको बोलो चलिए पुलिस में हम शिकायत करते हैं। नहीं बेटा, जब वो बच्चा था तो कभी हमने भी थप्पड़ मारा होगा, अब उसने थप्पड़ मार लिया, क्या बताएं। तो ये हालात है। तो यहाँ पर एक फैमिली ट्रेडिशंस की बात हुई और लॉ की बात हुई कि लॉ क्या, और जैसा मैथ्यू बता रहा है कि 8 राज्यों में ये लॉ, अगर लॉ बन भी गया देश में तो 8 राज्यों ने अभी तक उसको नोटिफाई किया, लागू किया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में, अगर उस पर लोगों को अवेयर किया जाए कि नहीं, यू हैव दिस एसेट, यू हैव दिस ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया वेयर यू कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ दीज हैसल्स, जो इकोनॉमिक चुनौती बन गई है, मेडिकल, पोलिसिंग, उस सबका इलाज क्या जॉइंट फैमिली में है आपको लगता है मैथ्यू? नहीं, हम काफी साल से आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के से आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये लॉ के अलावा अगर कोई बेटा उनका पिताजी या पेरेंट्स को देखभाल करता है, यू गिव हिम अ फाइनेंशियल इंसेंटिव थ्रू अ टैक्स ब्रेक और समथिंग, बिकॉज ऐसे नहीं कि सब लोग शोषण कर रहे हैं, काफी बच्चे उनको पेरेंट्स को देखभाल भी कर रहे हैं, गिव देम अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। पिछले साल दे गेव अ स्मॉल इंसेंटिव दैट इफ यू स्पेंड ऑन हेल्थ चेकअप ऑफ योर पेरेंट देन देर इज अ टैक्स कंसेशन। आई एम सेइंग देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ टैक्स कंसेशन व्हिच इज लाइक अ रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। पनिशमेंट इज ओके, but you need to have a reward structure also in the system. If you buy a policy for your parents, yes, and health insurance, yes, you should. There should be some tax and there break is some for you. And there you can get more, you mean. Lekin aap joint family ki baat karte hain ki jo hum bahut home bahut ho raha hai ki jo great Indian joint family tradition ki baat hoti hai wo waqai existing hai ya nahi, uska main aapko ek bahut acha sa udaharan batata hu. Hum log hazaron buzurgon se roz baat karte hain helplines ke through. Jo buzurg apne bachchon ke sath rehte hain उनका ज्यादा अब्यूज होता है, 4 दीवारी के अंदर उनके साथ कहीं ज्यादा बदतमीजी होती है। जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो फिर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉन्साइल कर जाते हैं कि हमें अकेले रहना है और वो बेहतर रहते हैं। क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हम इकोनॉमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं, यहां पर हमें 2 चीजों को समझना होगा, एक रिलेशनशिप हैसल्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होना,
और एक लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो जाना, क्या दो चीजों का फर्क आप मान रहे हैं? दोनों इंटरकनेक्टेड है, रिलेशनशिप और लाइवलीहुड दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहती हैं जब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा उभर के नहीं आते. अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा उभर के आ जाते. सो बेटर प्लानिंग एंड बेटर मैनेजमेंट नीडेड, ये हम बातें करते रहेंगे. मनी मंत्रा में कुछ और बातें करनी है. जल्दी हमारे साथ हेल्पेज इंडिया के एक वॉलंटियर आएंगी, बताएंगी, एक यंग वॉलंटियर आएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या यंग लोग कर सकते हैं ओल्ड सिटीजन के लिए. राहुल गोयल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. अजय चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला. मैथ्यू और हिमांशु आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे साथ बने रहे, हम फिर आ रहे हैं. मनी मंत्रा मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्ड किया लेकिन अब उन्हें मदद की जरूरत है और इसलिए बहुत सारे पैसे और सोसाइटी के मैनेजमेंट की जरूरत है. पिछले कुछ मिनटों में हमने समझा और आप हमारे साथ बाकी मेहमानों के साथ उमंग जुड़ रही हैं हेल्पेज इंडिया से. उमंग आपका स्वागत है. सबसे पहले जानना चाहेंगे एक यंग एंथुजियास्ट होकर कैसे कोई हेल्प कर सकता है ओल्ड एज लोगों की? क्या एक बहुत बोरिंग जॉब हो सकता है, क्या ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, या एक फन जॉब भी हो सकता है? एक यंगस्टर होने के नाते आप काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज को लेके. इवन इफ अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं कुछ, तो एज अ वॉलंटियर आप काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्ड किया लेकिन अब उन्हें मदद की जरूरत है और इसलिए बहुत सारे पैसे और सोसाइटी के मैनेजमेंट की जरूरत है. पिछले कुछ मिनटों में हमने समझा और आप हमारे साथ बाकी मेहमानों के साथ उमंग जुड़ रही हैं हेल्पेज इंडिया से. उमंग आपका स्वागत है. सबसे पहले जानना चाहेंगे एक यंग एंथुजियास्ट होकर कैसे कोई हेल्प कर सकता है ओल्ड एज लोगों की? क्या एक बहुत बोरिंग जॉब हो सकता है, क्या ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, या एक फन जॉब भी हो सकता है? एक यंगस्टर होने के नाते आप काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज को लेके. इवन इफ अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं कुछ, तो एज अ वॉलंटियर आप काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. उनको एल्डरली को अपना टाइम देकर, या कुछ जरूरी नहीं है कि आप मॉनेटरी हेल्प ही करें, बट उनको अपनी कंपनी देकर. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस की होती है कि बहुत अकेलापन रहता है. उनकी अपनी फैमिलीज भी कई बार उनके साथ नहीं होती है. आजकल तो कल्चर भी न्यूक्लियर फैमिलीज का हो गया है. तो बीइंग अ यंगस्टर ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप उनके साथ समय स्पेंड करें, रिलेशनशिप बढ़ाएं. इवन इफ आप एक एल्डरली के साथ भी करते हैं तो वो भी बहुत आगे तक जाता है. तो वक्त बिताना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपको लगता है? तो मतलब इसमें कोई खर्च भी नहीं होता और आपको रिलेशनशिप मिलेगा, वो एज अ रिवॉर्ड आपको मिलेगा. बिल्कुल. मैं तो यहाँ पर क्या एक अनटैप्ड मार्केट है, जैसे आपने बोला कि बिलो पॉवर्टी लाइन 5 करोड़ पीपल, बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, पर दे डोंट नो वेयर टू हु टू डोनेट. बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट बनाती हैं जो ज्यादा यूजफुल है ओल्ड एज के लिए, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है इन लोगों के लिए. क्या एक बहुत अनटैप्ड मार्केट है जिस पर बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, आपको लगता है? नहीं, बहुत अनटैप्ड मार्केट है. हम लोगों ने भी ग्रामीण स्तर पे काफी एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया. वो ग्रुप्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों? हिंदुस्तान का जो है 80 साल तक लोग काम करते रहते हैं और बुजुर्ग लोग इडली का दुकान चलाते हैं, बुजुर्ग लोग कुछ सारी का शॉप्स चलते हैं, बहुत सारे चीज और बास्केट मेकिंग, वीविंग, बहुत सारे चीज. अगर कोई बिजनेसेस है या डिजाइन है जो उनके लिए हेल्प हो सके तो वो वहां पर कंपनीज को भी फायदा होगा उनके लिए प्रोडक्ट बनाकर. आप डू एग्री विद मी, हाउ कैन यू हेल्प दिस पॉपुलेशन एंड स्टिल गेन एंड अर्न ऑन दैट? जहां तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, देयर एंडलेस प्रोडक्ट्स जिनकी जरूरत बुजुर्गों को पड़ती है. वो प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे समाज में त्याग का नाम बहुत ज्यादा चलता है. तो अगर मैं बुजुर्ग हूं तो मेरी फटी बनियान मुझे मंजूर है, मेरे बेटे के लिए एक नया कोट ज्यादा जरूरी है. तो वो खुद के लिए बुजुर्ग खर्च करने में थोड़ा सा कतराते हैं. उस भावना को पार पाने के लिए अगर कुछ चीजें उनके लिए थोड़े सस्ते दामों में उपलब्ध होती हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है. ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ बुजुर्गों के लिए हैं और धीरे धीरे वो पनपते जा रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है.
और वो प्रोडक्ट्स हर हर तरह के फील्ड में है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है, वाइट गुड्स प्रोडक्ट्स में भी है, बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी है जो कि स्पेसिफिकली बुजुर्गों के काम आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर डिजाइन किए जाते हैं चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो या दूसरे जो खासकर बुजुर्गों के लिए हो, तो उसमें आपको लगता है कि कंपनियां भी फायदा उठा सकती हैं। उमंग, आप बता रहे थे कि वक्त बिताकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सीनियर सिटीजंस को, यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं होता कि जाना कहाँ है, किसको फोन लगाना है, क्या करना है, तो क्या ये एक बहुत ऑर्गेनाइज चीज है कि मैं जाके रजिस्टर करा सकता हूँ या मुझे कोई बुजुर्ग ढूंढना पड़ेगा मेरे नेबरहुड में और वक्त निकालना पड़ेगा? जहाँ तक बुजुर्गों को अप्रोच करने का आप कह रहे हैं, तो इसमें हेल्पेज इंडिया जैसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उससे भी आप एसोसिएट हो सकते हैं कि हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो यही इसी काम में है, इन्वॉल्व है। उसका वक्त बिताना होता है मेरे हिसाब, अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप जाने, क्योंकि मैं खुद इससे भी डायरेक्टली रिलेटेड हूँ, प्लस मैंने अपने आसपास भी बुजुर्गों को देखा है, मेरे हिसाब से जो भी आप करो वो रेगुलर बेसिस पे हो। अगर आप जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे आप आज गए, बहुत ऐसे आजकल कंपनीज में जो यंगस्टर्स काम करते हैं वो अप्रोच करते हैं, बट वो क्या करते हैं एक बार मिलने गए और उसके बाद वो नहीं जाते हैं दोबारा, तो वो एक क्योंकि बुजुर्ग वो एक अटैचमेंट ढूंढने लगते हैं उसके बाद। अगर आप थोड़ा वक्त भी बिताएं ठीक है, लेकिन रेगुलरली, बट रेगुलर होना चाहिए। इसका एक तरीका है जो हम लोग एजवेल में कर रहे हैं, पूरे देश में इस बात को फैला रहे हैं, हर बच्चा, हर नवयुवक, हर अधेड़ व्यक्ति अगर सिर्फ ये देख ले कि मेरे पांच घर दाएं पांच घर बाएं, अगर फ्लैट्स में रहता है तो पांच फ्लोर ऊपर पांच फ्लोर नीचे या आसपास जहां भी कहीं भी अगर बुजुर्ग हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिता पाऊं, अगर हर व्यक्ति ऐसा ऐसी कोशिश करना शुरू करे तो संभवतः बुजुर्गों का अकेलापन तो पूरा ही दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे ये चीज पनपती जा रही है। ऑफकोर्स हिंदुस्तान में एजवेल फाउंडेशन है, हेल्पेज इंडिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे जो लोग वॉलंटियर बन के रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी हेल्पलाइंस चलती हैं बुजुर्गों के लिए, अलग अलग शहरों में भी चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे हैं, उन सबके पास एक पूरी लिस्टिंग होती है, उन सबके पास जरूरतें आती रहती हैं, तो वॉलंटियर्स को डायरेक्ट सब ऑर्गेनाइज है, पहले ही लोग कोशिश करें तो उनको मालूम पड़ सकता है। जी जी, और क्या क्या कर सकते हैं लोग इस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो ओल्ड एज को फायदा पहुंचाया? बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे, इस बारे में कुछ भी आप इफ यू वांट टू शेयर थॉट्स। नहीं नहीं, बहुत एक चीज है हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ही जरूरी है, दूसरा है आजकल जो पेंशन प्लान है, जो न्यू पेंशन स्कीम जो भी स्कीम्स है वो बुजुर्ग के लिए काम नहीं करता है। ये दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स है। फैमिली साइज दे गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 पीपल एंड हर फैमिली में ऑलरेडी 5 पीपल है, सो द बुजुर्ग द एल्डरली पीपल आर द वन एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द होल थिंग। So we have been lobbying that the family size should be increased to at least 7 so that you can include the grandparent and the grandmother. Then of course most of the financial products don't have very clear clear listing, and for old people it becomes a big risk to invest in these kind of products. Or you extend the PPF to a longer period so that people can extend, do it for 25 years or 28 years. Safe bets. एक और बहुत आसान सा तरीका हो सकता है, अगर भारत सरकार यही मान ले कि बुजुर्गों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों से दी जाएंगी। 10 करोड़ बुजुर्ग हैं, 5 करोड़ तो पैसे वाले हैं, वो तो वैसे ही नहीं जाते, बाकी के जो 5 करोड़ हैं उसमें से मुश्किल से 1-2 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पताल से अगर देना पड़ेगा, उसके लिए तो उसके बहुत ज्यादा नहीं करना, पहले ही रेडी है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ दवाइयों की कॉस्ट जुड़ती है जो कि बहुत ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल हिमांशु, मैथ्यू, उमंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से हमारे देश के बुजुर्गों का भला होगा, और उम्मीद है जब हम, मैं और आप बुजुर्ग होंगे तो हमारा भी भला होगा ऐसी बातचीत से, क्योंकि ये एक चैलेंज है हर सोसाइटी के लिए, वो चाहे क्यूबा हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, ओल्ड एज पॉपुलेशन का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी बिल्ड की है और इकोनॉमी में वो बर्डन ना बनने पाए, उनको अच्छे तरह मैनेज कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मणि मंत्रा में आज।